नमस्कार आप सभी को। आज 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कुछ पंक्तियां मैंने स्वयं लिखी हैं। मैं चाहती हूं कि उनको सबसे पहले आपके सामने पेश करूं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आपके सामने मैं पंक्तियां पेश करती हूं। अब के बरस आई ऐसी महामारी, अब के बरस आई ऐसी महामारी, अम्फान और निसर्ग से तो निपट रहे हैं, अम्फान और निसर्ग से तो निपट रहे हैं, लेकिन कोरोना से है जान बचानी। अब के बरस आई ऐसी महामारी, अम्फान और निसर्ग से तो निपट रहे हैं, लेकिन कोरोना से है जान बचानी। कैसे जान बचानी है, इसके ऊपर भी दो लाइनें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके चलो लिखे भारत की एक नई कहानी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके चलो लिखे भारत की एक नई कहानी। अब सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम पालना कर रहे हैं, उसके बाद की कुछ लाइनें, दो लाइन उसके ऊपर भी। बारिश की कुछ बूंदें अभी हैं बरसी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से देखो नदियों का स्वच्छ हो गया पानी। अब जो नदियों का जल स्वच्छ हुआ है, उसके बाद की दो लाइनें और। प्यारी प्यारी नन्ही चिड़िया रोज आंगन में आती है, प्यारी प्यारी नन्ही चिड़िया रोज आंगन में आती है, कहने केवल एक ही जुबानी। अब वो जुबानी क्या है, इस पे भी दो लाइनें। पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया की जुबानी क्या है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, कम से कम एक पेड़ लगाना है। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन चिड़िया की जुबानी क्या है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, कम से कम एक पेड़ लगाना है। मास्क की उपयोगिता से कम नहीं है पेड़ों का लगाना। मास्क की उपयोगिता से कम नहीं है पेड़ों का लगाना, एक से है कोरोना को भगाना, अर्थात मास्क से है कोरोना को भगाना, और एक से है हमें पर्यावरण बचाना, अर्थात पेड़ों से हमें पर्यावरण बचाना है। एक से है कोरोना को भगाना और एक से है हमें पर्यावरण बचाना। तो ये पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां मेरे द्वारा लिखित, और मैंने कोशिश की कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं।